जोरदार तालियां विशाल जी, जोरदार तालियां हो जाए फॉर अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर एंड अ सुपर्ब म्यूजिक डायरेक्टर विशाल भारद्वाज। आपकी आरजू कमीनी, ख्वाब भी कमीने, ये थॉट जो है, आई थिंक ये थॉट इटसेल्फ कमाल का थॉट है। सर मैं जानना चाहता हूँ ये थॉट कहाँ से आया? एक्चुअली ये तो गुलदार साहब से आया है और इस लफ्ज को जो डिग्निटी देने का जो एक काम है वो गुलदार साहब का है, जिसको पोएटिक बनाना और इसको इतना खूबसूरत बनाना। और जहाँ तक गाने का सवाल है वो आप मेरी हालत देखिए कि यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े फनकार दलेर साहब, विशाल शेखर, साजिद भाई, वाजिद भाई, और ये सारे सब इतने सुरीले लोग बैठे हुए हैं, मेरा दिल घबरा रहा था ये गाना गाने। ओके, वैसे विशाल जी मैं बताऊं, हमारे सभी जो सिंगिंग स्टार्स हैं उनको आपके सारे गाने याद हैं, और आज इनकी आपस में पीछे थोड़ी लड़ाई भी हो रही थी क्योंकि ये कहते हैं कि ये वो कॉम्पोजिशन गाना चाहते हैं, तो आपस में थोड़ी कन्फ्यूजन थी। तो सर एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आज आप ही डिसाइड करिएगा कि आप किससे क्या सुनना चाहेंगे, ठीक है सर? अरे ये लोग मुश्किल में आ जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां विशाल जी के लिए प्लीज सर। इस मंच पर बने हुए सभी 10 सिंगिंग स्टार्स के बारे में जनता का फैसला आ चुका है, किसे ज्यादा वोट्स देकर जनता ने टॉप 9 में भेजा है और किस एक को दिए हैं सबसे कम वोट्स, हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, आप चिंता बिल्कुल ना करें। पर फिलहाल सिंगिंग स्टार्स रेडी हो जाइए और जनता तैयार हो जाइए म्यूजिक की चाशनी में डूबने के लिए। सबसे पहले बारी है वीर घराने की, तो मेंटोस साजिद एंड वाजिद भाई, आप किसे बुलाना चाहेंगे? जी मैं खुर्रम को बुलाना चाहूंगा। मैं खुर्रम, ओके खुर्रम, तो विशाल जी कोई खास आदेश देना चाहेंगे खुर्रम को? आई थिंक खुर्रम की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जो गाना ये गाने वाले हैं तो वो मैं बताना चाहूँगा इन्हें कि वो कौन सा गाना गाएं। हाले दिल का गाना अगर आप गाएं। ओके यस सर। जानवे पिघलूं मैं, आजा तेरे होंठों से बात बात निकलूं मैं, तू मेरी आग से रोशनी चाट ले, ये जमीन आसमान
सब डसियां आजा बेबसियां आजा आजा माहिया आजा तेरी झोलियां पाऊं घर गलियां आजा आजा माहिया आजा आजा माहिया आजा आजा तेरे माथे पे चांद बनके उतरूं तेरी आँखों से ख्वाब ख्वाब गुजरूं मैं रग रग पे तेरे साए वे रग रग पे तेरे साए रंग तेरा चढ़ चढ़ आए वे रंग तेरा चढ़ चढ़ आए जान वे हाले दिल। खुर्रम ने अपना हाले दिल बताया है, लेकिन अब मैं हाले दिल जानना चाहूंगा विशाल जी का। विशाल जी, क्या कहेंगे आप? मुझे वापस तुम उन मोमेंट्स में ले गए जब ये गाना कंपोज हुआ था। तो ये गाना मैं टेनिस खेल के आ रहा था सुबह, और मुझे फ्रेज सुझाई दिया और मुझे लगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने गाड़ी साइड में रोकी, अपने फ़ोन के ऊपर ये गाने का मुखड़ा कंपोज किया, और तुमने इतना खूबसूरत गाया है, इतना खूबसूरत गाया है। अगर तुम पहले मिल गए होते तो तुमसे ही गवाता मैं गाना। थैंक यू। खुर्रम, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत अच्छा गाया। सिर्फ मैं आपको एक या दो टिप्स देना चाहता हूँ, प्लीज़। एक बात तो आप जब ट्रैक शुरू होता है ना, तो उसका जो सा होता है ना, उसको ध्यान में दारारा, वो जो ऊपर वाला द, वो जो नोट है वो हमेशा थोड़ा शार्प लग रहा था, तो उसको ध्यान में रखिए। और दूसरी चीज़, एक्सप्रेशन। ये हाले भी दिल की बात हो रही है, तो एक्सप्रेशन जब तक नहीं आएगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। बस ये दो चीज़ ध्यान में रख दीजिए, अदरवाइज योर परफॉर्मेंस वॉज ब्रिलियंट। ऑल द बेस्ट यू। माशाल्लाह से यू आर हैव अ वेरी यूनिक क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, सो यू आर अ संपूर्ण सिंगर। खुर्रम, ये सारा गाना बहुत रूह के साथ बहुत ज़्यादा सुर में और गाया जा सकता था। रब रखा, बहुत मज़ा आया। Superb, Khurram. Thank you so much for a lovely performance. Let's have a big hand for Khurram. Thank you. और अब बारी है यारा दी टोली के परफॉर्मेंस की। तो दलेर पाजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप किसे बुलाना चाहेंगे? मनीष जी, मैं जिनको बुलाना चाहूंगा, विशाल साहब, अभिलाषा है, बहुत बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा आवाज ऊपर वाले ने दी है, तो आ जा पुत्र। अभिलाषा, प्लीज। विशाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्या सुनना चाहेंगे अभिलाषा से? सीधी सादी बातें, बातें भोली भाली, बिल्लो मेरी आंखों की कमी नहीं। ओके। I'm not afraid.
कमाल का कॉम्पोजिशन और अभिलाषा मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गाया आपने, मुझे बहुत ही पसंद आया। लेकिन विशाल जी और हमारे मेंटोर्स जो हैं उनको कितना पसंद आया पूछें? सबसे पहले विशाल जी आप बताइए क्या कहेंगे अभिलाषा की गायकी के बारे में। सब लोग ही यहाँ एक से एक बढ़कर एक हैं और सब लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं आके। सिर्फ आपका आपने लव्स जो थे ना वो आपने कुछ गलत गाए, जैसे हथेली पे जलता दिया रख दिया, हिना में छुपा के जिया रख दिया, हथेली पे जलता दिया रख दिया। आप तो गाती तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, बस ये अपने अल्फाज की तरफ ध्यान रखिए जरूर। जरूर जरूर। नहीं, इसने बहुत अच्छा गाया एंड आने वाले वक्तों के अंदर ये बहुत नाम करेगी हमारे देश का भी और हम लोगों का भी, हमारे शो का भी। बट जैसे कि छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स तो मिस्टेक्स होती हैं, बट ओवरऑल यू सैंग फैंटास्टिक। थैंक यू। ओके, थैंक यू साजिद भाई। और अगर बात की जाए पाजी आपसे, स्पेशली आज के अगर मैं गाने की बात करूँ तो एक जगह आपने मतलब जो अंतरा उठाया तब भी थोड़ा रिदम से थोड़ा बहुत आगे पीछे रहा, वो टेम्पो थोड़ा सा आपका गाने में गया। आप स्टार हैं तो अच्छा नहीं लगता वो आप लोगों से ये सब सुनना। जब आप लाइव परफॉर्म करते हो तो जिस तरह आप एक गाने में डूबकर उसकी जो एक्सप्रेशन है, उसके अंदाज जो है, जिस तरह आप पूरी तरह से निभाती हो, दैट्स अ ट्रूली स्पेशल क्वालिटी। क्योंकि एक ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने का वही जरिया है एक सिंगर का। अगर आप 100% सुर में भी गाओ लेकिन बगैर एक्सप्रेशन गाओ तो ऑडियंस आपको बस देखती रहेगी, लेकिन अगर आप दिल से गाओ तो आप ऑडियंस आपके साथ में, यू नो, दिल रॉक विथ यू एंड दैट इज अ क्वालिटी यू हैव। सो वेरी वेल डन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। प्लीज जोरदार तालियां अभिलाषा के लिए। To Hero Honda, Sarigama Pa, singing superstar. और अब बारी है वीर घराने के परफॉर्मेंस की, तो साजिद भाई, वाजिद भाई, आप बताइए अब किसे बुलाना चाहेंगे आप? लवर बॉय आ जाए अंदर। सर आप बताएं आप क्या सुनना चाहेंगे, क्या गवाना चाहेंगे विशाख से? इलैयाराजा साहब का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गाना और सुरेश जी का One of the best song, ऐ जिंदगी गले लगा ले। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगा जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी।
छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा जिंदगी गले लगा ले। जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, ओ गले लगा ले, ओ गले लगा ले। मुझे जिंदगी का नहीं पता पर तू मुझे गले लगा ले यार, बहुत बढ़िया था, सुपर्ब है अभिषेक, वेरी नाइस। और विशाल जी आपको क्या लगता है? जी जी बहुत अच्छा है, आवाज़ तो बहुत मीठी है। शुरू शुरू में सुर दरा यू नो कुछ उतार चढ़ाव हो रहा था, पर अंतरे में आके पूरा मामला जमा। और एक चीज़ है कि हर जगह वो डॉटेड नहीं है जिंदगी, ए जिंदगी हर जगह नहीं, ए जिंदगी आपने ये कहीं भी नहीं लगाया, तो वो हर जगह वो डॉटेड, उसका डॉटेड का मज़ा तब आएगा सिंकोपेशन का जब वो एक बार सीधा कहा जाएगा। और एक दो जगह आपने जो अपनी हरकतें लगाई वो मुझे पर्सनली इसलिए नहीं अच्छी लगती हैं क्योंकि वो मुझे लगता है बहुत ही सादा गाया हुआ गाना है, और आई थिंक कि सादा गाना सबसे मुश्किल काम है, तो शायद उसको और थोड़ा इंटरनलाइज होना चाहिए गाना। पर आपकी आवाज़ बहुत मीठी और आपने गाया बहुत अच्छा। जैसे वाजिद भाई हमेशा कहते हैं डायनामिक्स जो होती है ना उस पर आपका काबू हो रहा है, आपकी आवाज़ में जो जिस तरह से प्रोजेक्शन होना चाहिए, जहाँ पे प्रोजेक्शन जहाँ पे नरमी, ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर आप ये जो गाने को इंटरनलाइज करने की बात अगर आप एक बार समझ लो और उसको पकड़ लो तो यू आर गोना बी अ फिनोमिनल सिंगर डूड, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू टुडे, बहुत अच्छा। मुझे शुरू से विशाख की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, इसका स्टेज पे खड़े होना, इसका कैमरे को देखना, इसका ऑडियंस की तरफ देखना, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप किसी को ये चीज़ें नहीं सिखा सकते। बट ऑलराउंडर ये सारे काम करें, मैं बहुत खुश हूँ इसकी आवाज़ के और इसके गाने से। रब रखा Sajid bhai, fantastic Vishak, mind blowing, you've done a very good job and you've made me really proud. Wajid bhai, main hamesha isko kehta hu ki iski awaaz mein ek playback singer ki quality hai. Is gaane mein tabla mere walid sahab ne bajaya hai, ustad Sharafat bhai. So wo matlab jab bhi main sunta tha to mere bahut close rehta tha, you know, this my father's played this, to isliye ye favorite gaana hai mera aur aapne bahut acha gaya. और अच्छा गाओ और मेहनत करो। थैंक यू वेरी मच सर एंड थैंक यू विशाख, थैंक यू वेरी मच, प्लीज। और अब बारी है हिट स्क्वाड के परफॉर्मेंस की, तो मेंटोर्स विशाल एंड शेखर आप किसे बुलाना चाहेंगे? अब तक बहुत बहुत दिल लगा के और बहुत कॉन्फिडेंस से वो गा रहे हैं, तो आइए अलीशर जी। ऑलराइट अली, अली शेर जी यहाँ पे हैं, और विशाल जी आप बताइए आप क्या सुनना चाहेंगे? फटाक। ओके भमरा भमरा आया रे गुनगुन करता आया रे
मुहावरा आया रे गुनगुन करता आया रे सुन सुन करता गलियों में अब तक कोई ना पाया सौदा करे सहेली का सर पे तेल चंबेली का सौदा करे सहेली का सर पे तेल चंबेली कान में इधर कफाया रे गिनती ना करना इसके यारों में आवारा घूमे गलियारों में गिनती ना करना इसके यारों में आवारा घूमे गलियारों में ये चिपकू हमेशा सताएगा जाएगा फिर लौट आएगा खून के मैले कतरे हैं जान के सारे खतर के आया आया रात का जाया रे फटक तक फटक 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 अली फटैंग विशाल जी क्या कहेंगे आप फटैंग था फटैक नहीं बहुत ही क्यूट लगे इनके सारे एक्सप्रेशंस तो बहुत 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 मज़ा आया मुझे तो वो पंजाबी लहजा सुन के मज़ा आ रहा था सौदा करे सहेली का सर मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा जी सर मैं वैसे तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो एक और चीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि आप ये फटैक छई छपा टाउ टाउ ऐसे मतलब और फुर चुर ऐसे आप गानों में इस्तेमाल करते हैं या मतलब आप खुद करते हैं या गुलजार जी या उल्टा मामला क्या है वो जब गाना एक्चुअली जो बनता है उसका प्रोसेस एक होता है जिसमें कि कंपोजर्स और लिरिसिस्ट एक दूसरे के साथ काम करते हैं जब वो फाइनली रिकॉर्ड हो जाता है तो कहना मुश्किल होता है कि कौन किस चीज़ का कहाँ से यू नो कहाँ से पहले आया था कई बार होता है कि मैंने शटैक किया था तो उन्होंने फटैक कर दिया तो जिससे कि फ़र्क पड़ जाता है ये गाना वैसे बड़ा इम्पोर्टेंट गाना है क्योंकि ये इसमें जो भंवरा है वो एड्स वायरस की बात की गई है जी. तो ये एड्स अवेयरनेस को लेके क्योंकि मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी एड्स अवेयरनेस के ऊपर तो ये गाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाना है और इस प्लेटफॉर्म पे मैं इस बात को कहना चाहता था कि हम लोग को थोड़ा सा हमारी जनरेशन्स को एज ए पेरेंट्स थोड़ा सा ओपन अप होना चाहिए नहीं तो ये बीमारी कब इस मुल्क को आधे को ख़त्म कर देगी हमें पता भी नहीं चलेगा थैंक यू वेरी मच विशाल जी हम आपको तहे दिल से इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे आपने ये जो अवेयरनेस फैलाने की बात करी है और मेरे ख्याल सब आपकी इस बात को ज़रूर मानेंगे और अब अगर बात की जाए फिर से हमारे अली शेर साहब के गाने की शेखर आप क्या कहेंगे अली मैं इस परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं हूँ आप बहुत अच्छे सिंगर हो और हम देख ही नहीं सकते कि आप इतना बुरा परफॉर्मेंस दो ओके नेक्स्ट टाइम बी अ लिटिल केयरफुल ओके सर ओके ओके ऑल द बेस्ट साजिद भाई आप क्या कहेंगे सर मैं तो यही बोलूँगा कि माशाल्लाह से बहुत ही ये एक ऐसा सिंगर है जिसमें बहुत मासूमियत अभी तक जिंदा है एंड मेरे ख्याल से फनकारी और आगे निकल जाएगी एंड जितना ये मासूम है उतना ही डरपोक भी है तो टेंशन नहीं ले माइंड ब्लोइंग थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू अली शेर फॉर अ लवली परफॉर्मेंस थैंक यू प्लीज और अब बारी है हिट स्क्वाड के परफॉर्मेंस की तो मेंटोर्स विशाल एंड शेखर आप अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर विशाल जी के सामने किसे उतारना चाहेंगे मंच पे एक बहुत टैलेंटेड बहुत खूबसूरत आवाज है सुगंधा प्लीज सुगंधा कम ऑन सुगंधा विशाल जी सुगंधा से क्या सुनना चाहेंगे आप एक गाना जो जिसमें मुझे भी गाना पड़ा था उसका फीमेल पार्ट आप सुनाइए तो मजा आएगा वो साथी रे ओके okay.
इतना अच्छा गाना विशाल जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, प्लीज़ आप ही बताइए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाया सुनंदा ने जी, आवाज़ बहुत खूबसूरत है और प्लेबैक सिंगिंग के लिए जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें तुम्हारी आवाज़ के अंदर हैं और जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा है और जिस तरीके से डूब के आप गा रही थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाना। थैंक यू सर। बहुत अच्छा गाया, मुझे आपकी आवाज़ तो बहुत पसंद ही है। इसके अंदर रूदारी अगर थोड़ी सी और हो जाए ना, तो बोलते ना वो चाशनी का काम करती है, तो जस्ट ध्यान उस पर थोड़ा सा दीजिए आप। ओके साजिद भाई, वाह वाह वाह, थैंक यू दिलीप भाजी। गाना गाना वही कि जो गाने के बाद गूंजता रहे। आज जो हीरो होंडा सारेगामा पा का जो ये मंच है, आज का दिन हम सबका बहुत बड़ा, बहुत सफल हुआ है कि इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने आपकी आवाज़ को पास किया है। रब रखा, थैंक यू बेटा। विशाल आप क्या कहेंगे? दिल से आई फेल्ट एवरी नोट यू sang एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छी तरह से With a lot of soul, आपने जो गाना निभाया है, salute to you, all the best to you. Thank you. Superb, lovely compliment, हाँ? मैं मेरी request है आपसे, please, अगर हो सके तो please एक line, ये song आपने खुद गाया है अपनी आवाज़ में, मेरी please request है अगर आप एक line गाकर। सारा राज खुल जाएगा कि मैं कैसा गाता हूँ। नहीं नहीं। अच्छा आप शुरू कीजिए, मैं आपके साथ में वैसे भी duet है। जी। Thank you so much. That was lovely.
वैसे यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको शायद ये नहीं पता कि विशाल जी सिंगर कैसे बने, म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट कैसे आया। सर ओ साथी रे, तो मैं आपकी जीवन साथी जो हैं रेखा भारद्वाज जी, आपने गाना जो सीखा वो उनके कारण, आप प्लीज़ डिटेल में बताइए ना ये बात, इज़ इट ट्रू सर, सच बात है ये? गाना से ज़्यादा मैंने शायद कॉम्पोजिशन करना रेखा की वजह से शुरू किया था, क्योंकि हम लोग कॉलेज में साथ हुआ करते थे और 26 साल पहले की बात होगी शायद अब तो। रेखा उस वक्त स्टार हुआ करती थी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, तो उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं था कि मैं कंपोज़र बनूं और यू नो उनको इम्प्रेस कर सकूं। तो रेखा वजह हैं मेरे कंपोज़र बनने की। क्या बात है सर, वो कहते हैं ना कहावत है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरे ख्याल हमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद रेखा जी का करना चाहिए कि इतने बढ़िया कंपोज़र जो हैं आज हमारे सामने। थैंक यू सो मच रेखा जी, तहे दिल से, एंड थैंक यू सो मच विशाल जी। और अब बारी है अभी तक के परफॉर्म किए हुए पांचों सिंगिंग स्टार्स की, और ये जानने की कि जनता का फैसला क्या है उनके बारे में। तो मैं चाहूँगा हमारे सिंगिंग स्टार्स खुर्रम, अभिलाषा, अली और विशाख, आप लोग यहाँ आ जाएं। सुगंधा आप भी यहीं पर रहें, आइए। जनता के फैसले के मुताबिक आप पांचों में से चार सेफ हैं और एक अनसेफ, यानी आप पांचों में से किसी एक सिंगिंग स्टार को जनता ने कम वोट्स दिए हैं। सबसे पहले मैं वो नाम लेना चाहूंगा जिसे यहां पर सेकंड हाईएस्ट वोट्स मिले हैं, और उसका नाम है अभिलाषा। कंग्रेचुलेशंस अभिलाषा, सेकंड हाईएस्ट वोट्स जनता ने आपको दिए हैं, तो कंग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं। और अब वो एक नाम जिसे जनता ने अनसेफ बनाया है, यानी दिए हैं कम वोट्स, और वो एक नाम है विशाख। विशाख आप अनसेफ हैं, आप चारों कंग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं, आप आराम से जाके बैठ सकते हैं। विशाख आपको बैठना होगा अनसेफ जोन में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। फिलहाल विशाख जो हैं जनता की कसौटी पर अनसेफ हैं, जनता ने इन्हें कम वोट्स दिए हैं। इनके अलावा एक और सिंगिंग स्टार है जो अनसेफ है, कौन है वो, किसे दिए हैं जनता ने सबसे कम वोट्स, कौन आज ये मन छोड़कर चला जाएगा, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बस इस एक छोटे से ब्रेक की बात है, फिर होती अपनी बात। वेलकम बैक टू हीरो होंडा, सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार। विशाल जी, वैसे आपने आज से लगभग 10 साल पहले एक गाना बनाया था जी टीवी के एक शो के लिए, वो उस समय उतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन आज के टाइम में वो गाना हर एक की जुबान पर है, बहुत पॉपुलर हो गया, और उस गाने को गाया भी है हमारे मेंटोर विशाल ने। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपने पुराने दिनों में जाना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, और मुझे इल्म भी इस बात का कि आप क्या बताने वाले हैं। ओके, तो चलिए जरा देखते हैं। पैसे का खेल, मुंबई की सड़कों पे होगी डांस डांस। क्या बात है सर। सर वैसे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कैसे लगा कि 10 साल पुराना गाना जो है उसको अगर फिर से लाया जाए, कुछ हल्के से बदलाव किए जाएं, तो ये और जबरदस्त हिट हो सकता है?
क्योंकि मुझे लगता है कि ये ढेंढेन एक ऐसा फ्रेज है, ये एक चीज़ है जो कि फिल्म से ज़िंदगी में आई है और वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है। इसका पता नहीं कब से बाप बच्चे को कहानी सुनाता है, दोस्त दोस्त को कहानी सुनाता है, तो बैकग्राउंड स्कोर में सबसे पहले ढेंढेन आता है सबका। तो मेरे पास ये फ्रेज उससे पहले से था। तो जब मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की, क्योंकि मुझे फीचर फिल्म डायरेक्ट करने में बड़ा डर लगता था, मैं कभी सेट पे नहीं गया था, किसी का असिस्टेंट नहीं था मैं, तो मुझे लगा कि एक शॉर्ट फिल्म एक डायरेक्ट करके देखी जाए। तो मुझे याद है जी टीवी से गुब्बारे नाम का सीरियल था, उसका टाइटल सॉन्ग कराने के लिए मेरे पास आए थे कि उस सीरियल का टाइटल सॉन्ग कराया जाए। और मैंने उस वक्त ब्लैकमेल किया कि अगर आप मैं टाइटल सॉन्ग कराएंगे तो मुझे आपको एक दो शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करने के लिए देनी पड़ेगी, और मेरा ब्लैकमेल सक्सेसफुल हुआ। तो ये ढेंढेन मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई, उसका इस फिल्म का नाम भी ढेंढेन था, पर ये था कि टीवी पे एक दो बार आके निकल गई और ये फ्रेज़ मेरे साथ रहा। मुझे लगा कि ये फ्रेज़ कभी मैं आगे यूज़ करूँगा। और कमीने में जब ये सिचुएशन थी, ऑनेस्टली मुझसे गाना नहीं बन रहा था, कि मैंने बहुत तरीके से कोशिश की और ये फ्रेज़ मैं भूल भी चुका था। अचानक मुझे याद आया कि यार वो एक फ्रेज़ था, वो इस फिल्म के पूरे मूड के साथ जाता है, तो मैं उसको बनाता हूँ। तो ये उसमें से निकला हुआ था और आई एम वेरी ग्लैड कि ये उस मुकाम पर पहुँच गया। सर, पर हम तो कहेंगे आपके विजन को, जो 10 साल पहले आपने एक ऐसी चीज बनाई जो आज भी एकदम सुपर हिट है, आपके विजन के लिए एक बार विशाल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर, सुपर, थैंक यू। और अब एक बार फिर से बारी है यारा दी टोली के परफॉर्मेंस की, तो दलेर पाजी किसे बुलाना चाहेंगे? मनीष जी, मैं चाहूंगा कि बिल्कुल जो नई लुक, नई सोच, नई बातें, नकुल आ जाइए। विशाल जी, नकुल से आप क्या सुनना चाहेंगे? इतना एक सादा लिखा हुआ गाना है, गुलदार साहब के लिए तो जितने भी लफ्ज कहे जाएं वो कमी है, पर इतना खूबसूरत कहना कि पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की है। क्या बात है, सुपर्ब सॉन्ग सर, सुपर्ब सॉन्ग। तो मैं कहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए बैंगलोर से यारा दी टोली के सिंगिंग सुपरस्टार नकुल के लिए। थैंक यू।
विशाल जी, मुझे तो बहुत पसंद आया। क्या बात है, थैंक यू सर। मुझे बहुत पसंद आया, वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सिल्की सी आवाज़ है, और जो आपने हरकतें भी ली जो गाने में नहीं है, मुझे वो भी बहुत पसंद आई। थैंक यू सर, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा आपका गाना। विशाल आप क्या कहेंगे? वेल डन, गुड जॉब। थैंक यू सर। जो एंड में जो थोड़ा सा R&B हो गया था, वो थोड़ा आई डिडंट एंजॉय दैट अ लिटिल बिट। वेल डन, वेरी नाइस। थैंक यू सर। टेक केयर। ये परफॉर्मेंस मुझे अच्छी नहीं लगी, सुर बहुत हिल गए थे आपके, बहुत। और जब हीरो होंडा सारेगामा पर टॉप 10 कंटेस्टेंट्स की बात की जाती है, तब एक्सपेक्टेशंस पब्लिक को बहुत हो जाती है। मुझे ऑन द होल परफॉर्मेंस इतना एक्साइटिंग नहीं लगा, मुझे सुर बहुत ज़्यादा स्टार्ट से एंड तक के एफर्ट लग रहा था। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू नकुल, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां नकुल के लिए। और अब बारी है हिट स्क्वाड के परफॉर्मेंस की, तो मेंटोर्स विशाल एंड शेखर, आप किसे बुलाना चाहेंगे? जिसको हम बुलाना चाहते हैं वो उनके लिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी सिंगिंग ही सब कुछ कह देगी। कमल खान प्लीज कम। कमल आ जाइए। ओके, तो विशाल जी आप क्या सुनना चाहेंगे कमल से? थोड़ा मुश्किल गाना है पर बड़ा खूबसूरत है, राहत भाई ने बहुत ही खूबसूरत गाया है और गुलदार साहब ने इतना खूबसूरत लिखा है, नैना ठग लेंगे। ओहो, आप ही की फिल्म ओमकारा से है भाई, सुपर्ब गाना है ये, तो जोरदार तालियां हो जाए पटियाला से हिट स्क्वाड के सिंगिंग स्टार कमल के लिए। ऑल द बेस्ट कमल। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो रे, भला मंदा देखे ना पराया ना सुधारे, चस्का लगा रे, भला मंदा देखे ना पराया ना सगार, नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे, नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला, नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला। बादलों में सतरंगिया भो में, नैना बावरा कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो रे,
नैनों की मत सुनियो रे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे ठग लेंगे। ओ क्या बात है क्या बात है। पहली बात तो गाना इतना कमाल का, जितनी बार ये गाना सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज ये कमल का जो कमाल यहाँ पे हुआ, क्या आपको लगता है ये इतना कमाल था कि आपके रोंगटे खड़े हो गए? एकदम ठग लिया इसने लहजा कि जैसे, क्या बशीर बद्र साहब का शेर है, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज़ चूम लूं। क्या बात है सर। विशाल जी, तो हमारे यहाँ जो दो मेंटोर्स हैं विशाल एंड शेखर, उन्होंने वैसे तो फिजिकली तो जाहिर कर ही दिया गाना कैसा लगा, अल्फाजों में अगर इसे ढाला जाए तो कैसे ढालेंगे? जब मैंने इनका इंट्रोडक्शन लिया तब मैंने ये कहा था कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इनकी गायकी खुद बता देगी कि क्या चीज़ें हैं वो। और आपने हमारी इज्जत रख दी आज, थैंक यू सो मच। आज कमल, जितने भी परफॉर्मेंसेस हुए हैं सारेगामा पर, हीरो होंडा सारेगामा पर 2010, उसमें से ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, सबसे बेहतरीन। मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है इसकी, जो भोलापन है, जो फर्स्ट डे हमने सुना था वो आज तक बरकरार है। एंड कमल आई लव यू यार, ऑल द बेस्ट, डू वेल यार, ऐसे ही गाते रहे और अच्छा गा। अपनी अपनी कमजोरियां जो हैं वो तुमको, तुमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करो, वही जीत है बाजी। कमल की आवाज़ बहुत अच्छी है, इन्हें होर सोना कर ताकि पूरी दुनिया तेरे कदमा चावे, रब राखा। वैसे कमल, इस हफ्ते की अभी ये वाली परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी रही, लेकिन पिछले हफ्ते के आधार पे आपको वोट्स मिलने थे, और आपको मैं बताऊं आपको कितने वोट्स मिले हैं। जनता ने पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस के आधार पे आपको हाईएस्ट वोट गेटर बनाया है, यानी आप बने हैं इस हफ्ते देश की धड़कन। Congratulations, Kamal. आप डर गए थे दो मिनट के लिए। All the best and thank you. Please take your seat. Thank you. और अब बारी है 11 दी टोली के परफॉर्मेंस की, तो दलेर पाजी, किसे बुला रहे हैं आप? मैं उसे बुलाना चाह रहा हूँ कि जिसकी आवाज़ को सुन के विशाल भारद्वाज जरूर कहेंगे कि वाकई इसकी आवाज़ जो है वो लाखों में एक है, स्निति मिश्रा। स्निति, विशाल जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्निति से आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? स्निति से वो गाना सुनना चाहेंगे जिस पे कि जो हम जवान हुए हैं, जिन गानों पे जो अपनी उदास रुमानी शामों में हम सुना करते थे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। क्या बात है सर, जोरदार तालियां हो जाए भुवनेश्वर उड़ीसा से 11 दी टोली की सिंगिंग स्टार स्निति के लिए। ऑल द बेस्ट स्निति।
विशाल जी क्या कहते हैं आप? इनकी आवाज़ बिल्कुल एकदम अनोखी है और बिल्कुल तुम्हारी अपनी आवाज़ है, और ऐसी आवाज़ों को अपने आप को इस्टेब्लिश करने में और दूसरों के कान में ट्यून होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वही तुम्हारी खासियत रहेगी और वही खूबसूरती रहेगी और वही तुम्हारा माइनस पॉइंट भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। साजिद भाई, आपको जितना हो सकता है हम आपका अपना सपोर्ट सर देंगे कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपकी आवाज़ हिंदुस्तान पर राज करेगी। थैंक यू सो मच। वाजिद भाई, आज का परफॉर्मेंस मुझे बहुत घबराया हुआ लगा, तो इस चीज़ को ज़रा और अच्छा कर लें आप। जी बिल्कुल सर। गाना आपका बहुत अच्छा है, आपके सुर नहीं छूटते हैं, आपकी हिम्मत छूट जाती है गाते गाते, सुर नहीं छूटते हैं। बच्चों को कहता हूँ आप गाने पे ध्यान दो, आप ज़्यादा गाने पे ध्यान मत दो, आप किस चीज़ पे ध्यान दो मैं भी आके बताता हूँ। आओ भाजी। ये बिल्कुल सही चीज़ लेके आए हैं, और ये मैं सजेस्ट करने वाला था फ़ोन के ऊपर, मुझे पता नहीं था कि आप ये चीज़ इनके लिए लेके आए हैं। ये गोंद के लड्डू हैं जो इससे बहुत ताकत देंगे। रे 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 नाओ। वो थैंक यू वेरी मच नीति के लिए जोरदार थालियां, एंड थैंक यू पाजी, थैंक यू स्नीति। ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज के फेवरेट गानों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सिंगिंग स्टार्स, और इनके गानों का कमाल क्या है आप बखूबी जानते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। बस इस ब्रेक की तो बात है, फिर होती अपनी बात है। चंडी पहन के फूल खिला है, वेलकम बैक टू हीरो होंडा सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार। सर मैं इस गाने का एक्चुअली बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि चंद लाइनें इस गाने की सुने, और कमाल की कल्पना जो मुझे इसमें अच्छी लगी, चड्डी पहन के फूल खिला है। ये एक्चुअली मेरा पहला गाना था बॉम्बे में आके जो कि पॉपुलर हुआ, 92 की बात है, अच्छा 18 साल पहले की बात, हमने गाना रिकॉर्ड किया था। और ये गाना हुआ भी ऐसे था कि संडे को गुलदार साहब ने एक दिन घर बुलाया कि कल सुबह गाना रिकॉर्ड करना है, और अभी हम लोग बैठ के वो गाना बनाएंगे। तो जब ये पहली बार ये लाइन आई तो जो प्रोड्यूसर लोग थे, जब उनको शाम को गाना सुनाया गया तो वो लोग बड़े अनकम्फर्टेबल थे कि चड्डी लव्स गाने में गुलदार साहब, ये ठीक है, लुंगी नहीं हो सकता, पेंट नहीं हो सकता। तो उसके बाद बहुत दिनों तक हमारा मजाक चलता रहा कि मेरा ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ, और गुलदार साहब बोलते थे कि मैं इस गाने से पहचाना जाता हूँ, मतलब मैं अपनी चड्डी से पहचाना जाता हूँ। तो बहुत टाइम तक मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलते थे इसके, और ये गाना आज तक आई थिंक मैं भी ऐसा नहीं कंपोज कर सकता, क्योंकि वो इनोसेंस जो था वो उसी वक्त का इनोसेंस था। क्या बात है सर, बट हम सबके दिल के बहुत करीब है ये गाना, रियली थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सॉन्ग। और अब बारी है वीर घराने के परफॉर्मेंस की, तो मेंटोर साजिद एंड वाजिद, आप किसे बुलाना चाहेंगे? एक ही बचा हुआ है, तत्तो पाड़ी। तो विशाल जी क्या सुनना चाहेंगे आज आप? फरीद, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 25 साल है सर। चलो दिल तो बच्चा ही रहेगा ना। जी दिल तो बिल्कुल बच्चा रहेगा। सर जी क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दिल्ली से वीर घराने के एक सिंगिंग स्टार फरीद के लिए। ऑल द बेस्ट फरीद। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस
बरस के सुफेद हो गई कारी बदरी जवानी की छटती नहीं बल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है चेहरे की रंगत उड़ने लगी है डर लगता है तन्हा सोने में जी दिल तो बच्चा है जी विशाल जी मैं असल में मेरे पास एक्चुअल में वर्ड्स नहीं हैं मैं तब से कह रहा हूँ वाह क्या गाना है माइंड ब्लोइंग सुपर्ब सर क्या कॉम्पोजिशन है सर कमाल करते हैं सर अब मेरे पास शब्द खत्म हो गए मेरे पास एक ही चीज़ है प्लीज़ आई वुड लाइक टू गिव यू अ हग मैं आपको गले लगाना चाहूँगा सर प्लीज़ ये मुझे ना मैं सच बात बताऊं कि मेरे लिए किसी भी सिंगर को डिसलाइक करना या उसकी कमियां निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है यार क्योंकि मुझे लगता है गाना जो है ना वो कमी और ये इस कंपटीशन से ऊपर की चीज़ है पर्सनली और ये बात मैं पहले से कहता आ रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है किसी के लिए ये कहना कि आपकी ये कमी है अनलेस कि प्राइवेटली मैं ज़रूर बोल सकता हूँ आके बट ऐसे पब्लिकली मुझे मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है सर बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने कही थैंक यू फॉर दैट और अब आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू फरीद तुम मेरे घर आने के हो इसलिए मैं खुद पहले चालू करता हूँ कि आई वॉज नॉट हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस रही बात गायकी की आप माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे गायक हो बट ओवरऑल इस गाने की शिद्दत जो दुनिया में और जो पब्लिक के अंदर बसी हुई है शायद थोड़ा सा तुम उससे कम थे थैंक यू पाजी मैं सुर की बात करूं तो इस गाने में भी काफ़ी जगह सुर जो हैं वो जाते हैं गए हैं और फरीद साहब से तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं है क्योंकि हम आपके लिए हरदम खड़े होकर तालियां बजाते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहे सिलसिला रब रखा आज ही पहले बात हो रही थी कि एक सादा गाना जो होता है वो गाने के लिए कितना डिफिकल्ट होता है अब आपने इतनी म्यूज़िक सीखी है इतना गाना सीखा है आपने कि आपको सादा गाना है ना वो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से सीखना पड़ेगा राहत साहब आप जानते हैं किस लेवल के सिंगर हैं इज़ अ फिनोमिनल सिंगर मतलब बहुत बहुत अनबिलीवेबल सिंगर लेकिन गाया उन्होंने इतनी मासूमियत जब कहते हैं कि दिल तो बच्चा है जी यू बिलीव हिम यू नीड टू फाइंड दैट ओके गुड लक थैंक यू सो मच फरीद फॉर अ लवली परफॉर्मेंस जोरदार तालियां फरीद के लिए और अब बारी है हमारे अगले परफॉर्मर की तो पाजी की इजाजत से मैं रंजीत को मंच पे बुलाना चाहूंगा पाजी इजाजत है आपकी पाजी की तरफ से मैं इजाजत देता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के फेवरेट सिंगर रंजीत रजवाड़ा को बुलाया जाए और
मैंने रंजीत का एक परफॉर्मेंस एक बार देखा भी है टीवी पे, मुझे बहुत पसंद है इसका गाना और मैं इससे वही जो ये गाता है उसी की फरमाइश करने वाला हूँ, वोला मलिक खान साहब की गज़ल उनसे नैन मिला कर देखो। बिल्कुल सर। ओके, तो हो जाए जोरदार तालियां जयपुर से यारा दी टोली के सिंगिंग स्टार प्रिंस ऑफ गजल रंजीत के लिए। ऑल द बेस्ट। गजल पेशे खिदमत में मुनीर नियाजी साहब की गजल है, इसका मतलब है उनसे नैन मिलाकर देखो ये धोखा भी खाकर देखो। उनसे नैन मिला कर देखो, उनसे नैन मिला कर देखो, ये धोखा भी खा कर देखो। उनसे नैन मिला कर देखो, उनसे नैन मिला कर देखो, ये धोखा कर देखो। दूरी में क्या भेद छुपा है इसका खोज लगा कर देखो। उनसे मिला कर देखो, आज की रात बहुत काली है, सोच के दीप, सोच के दीप जला कर देखो। उनसे नैन मिला कर देखो, उनसे नैन मिला कर देखो, ये धोखा भी खा कर देखो। उनसे नैन मिला कर देखो, उनसे नैन मिला कर देखो, ये धोखा भी खा कर देखो। उनसे नैन मिला कर देखो, उनसे नैन मिला कर देखो। स्टैंडिंग ओवेशन। विशाल जी क्या कहेंगे आप? ये है हमारा गाना, इसको मैंने पहले भी सुना था टीवी पर, अब दोबारा सामने से सुन के मुझे वो इतना ज़्यादा वो नॉस्टैल्जिया हुआ है और एक बात का और विश्वास हुआ है कि मैंने थोड़ा हिस्टोरिकली देखा गज़ल को कि हर 25-30 साल में गज़ल वापस आती है और अपना रंग पूरा जमा देती है, तो मुझे लग रहा है वो 25-30 साल पूरे हो गए और ये आ गया है वापस। काफ़ी धमाकेदार माहौल यहाँ पे बना दिया। और विशाल एंड शेखर से मैं पूछना चाहूँगा, आप तो
इसकी गायकी ने आपको मजबूर कर दिया कि आप कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएं। क्या बात है, क्या बात है, दिल से। और जो ठहराव है, जो जानकारी है, जो यू आर अमेजिंग ट्रूली। खुदा ने आप पे बहुत बहुत करम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही कहता हूँ कि जल्द से जल्द आप एल्बम रिलीज करो तो मुझे खरीदने का मौका मिले। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप भाजी, इतने वाह वाही मिल रही है सारे अच्छे लोगों से, पूरे हिंदुस्तान से, तो यही चाहता हूँ कि सदियों तक लोग नाम को याद रखें, रंजीत रजवाड़ा। बहुत खुश रहो बेटा, तो बहुत खुश रहो। वाजिद भाई, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इनके माँ बाप को बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इस लड़के को तरबियत बहुत अच्छी दी है, बहुत अदबदार बच्चा है। कितने भी कमेंट्स आते हैं, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन मैंने इसके अंदर कोई बदलाव नहीं देखा अभी तक के। गॉड ब्लेस यू। एक सादे सब सदे, सब सादे एक ना सदे, तो ये जो गज़ल है इसको नई पीढ़ी तक लेके आना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। और आज आप कसम खाओ कि आप बॉलीवुड हो या कुछ भी हो, या कुछ भी हो, किसी चीज़ के ऊपर सेकेंड ध्यान देना, ये आपकी फर्स्ट होनी चाहिए चीज़। सर, मैं इस चीज़ से बहुत प्यार करता हूँ और बचपन से, पता नहीं क्यों ऐसा लगा हुआ, जब मैं इस चीज़ को गाता हूँ तो एक रूहानियत मुझे, मतलब दिल से खुशी होती है कि मैं आगे जाऊँगा तो यही करना है मुझे इंशाल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पता नहीं क्यों। जियो बेटा, जियो, लेकिन दिल से जियो। तुम राजस्थान को ही नहीं, तुम हिंदुस्तान को भी प्राउड करोगे, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक यू रंजीत, थैंक यू वेरी मच। प्लीज, कमल बने हैं इस हफ्ते देश की धड़कन, यानी जनता ने उनको दिए थे सबसे ज्यादा वोट्स और वो टॉप 9 में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब नकुल, स्निति, फरीद और रंजीत के बारे में जनता का फैसला जानने की बारी है, तो आप चारों प्लीज आ जाइए मंच पर। जनता ने आप चारों में से दो को कम वोट्स दिए हैं और दो को ज्यादा, यानी आप चारों में से दो हैं जो सीधा टॉप 9 में पहुंचेंगे। वो दो जो फिलहाल टॉप 9 में नहीं पहुंच रहे, यानी फिलहाल अनसेफ हैं, उनका नाम है नकुल एंड फरीद। रंजीत एंड स्निति, कांग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं, आप आराम से जाके बैठ सकते हैं। जनता का फैसला आज इन दोनों को बॉटम में लिया है। और विशाख, प्लीज आप भी मंच पे आ जाइए। आप तीनों में से आज एक सिंगिंग स्टार है जिसको ये मंच छोड़ के जाना होगा। जिसे ये मंच छोड़ के जाना होगा वो है फरीद। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जी टीवी का कि उन्होंने मुझको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपने गाने को लोगों के सामने लाने के लिए। और आप यकीन मानिए कि मैं यहां से बिल्कुल दुखी होके नहीं जा रहा। मैं तो यहां पे जीत हार के लिए आया ही नहीं था, लेकिन एक चीज़ यह है कि सलो नारे खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। क्या बात है फरीद। हर एक सिंगिंग स्टार आपके दिल में उतर पाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके कम वोट्स करने की वजह से आपके फेवरेट सिंगिंग स्टार को ये मंच छोड़कर जाना पड़ रहा है। प्लीज वोट करते रहिए इन्हें। हमारी वोटिंग लाइन सोमवार सुबह 8 बजे तक ही खुली हुई है।